जंगल। एक नई पहल का आगाज उत्तर प्रदेश जिला गाजीपुर शहीदी धरती मोहम्मदाबाद विकास खंड में चुने गए प्रधानों ने आज बैठक करके फैसला लिया कि अखिल भारतीय प्रधान संघ शाखा मोहम्मदाबाद का चुनाव नहीं कराकर आम सहमति से पदाधिकारी को चुन लिया जाएगा। आखिर सुरेंद्र सिंह उर्फ चंचल, गोपाल पासी, अश्वनी कुमार राय, रविशंकर यादव, श्याम नारायण यादव, ओमकार सिंह कुशवाहा, अतुल्ला रानी ने खड़े होकर आम प्रधानों से कहा कि हम चाहते हैं कि संघ का चुनाव न कराकर आम सहमति बना दी जाए। इस ऐसे अवसर पर अश्वनी कुमार राय खुद जो प्रधान पद के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार थे, उन्होंने उठकर कहा कि मैं अपना नाम वापस लेता हूं, मैं नहीं चाहता कि इलेक्शन हो। आम सहमति से लोगों का चुन लेना सबसे अच्छी बात होगी। ऐसी सूरत में तमाम प्रधानों की मौजूदगी में श्री ब्रिजलाल यादव को प्रधान संघ का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष रविशंकर यादव एवं मनीष जायसवाल को चुना गया। महामंत्री पद पर श्रीमती विद्या शर्मा, पत्नी शशिकांत उर्फ भूवर एवं श्याम नारायण यादव को महामंत्री पद पर चुना गया। कोषा अध्यक्ष गोपाल पासी को आम सहमति से चुन लिए जाने पर पूरे उपस्थित प्रधानों में तालियों की गड़गड़ाहट में लोगों ने इसे कबूल कर लिया। एक ऐसी सहमति है जिससे पूरे जनपद में एक पैगाम जाएगा। जनपद गाजीपुर से जावेद बिन अली की ग्राउंड रिपोर्ट। होगा सबके मन मिजाज से होगा, सबकी सहमत होगी तो उसमें हमारी ताकत बढ़ेगी। चाहे कर्मचारी हो या अधिकारी हो, एक संदेश जाएगा कि सभी प्रधान किसी न किसी का चुनाव तय कर देंगे। उस दिन कुछ नाम आए थे, अब अकेले या बस की बात नहीं है कि मैं अकेले एक नाम ले लूं और उसको कहूं कि सारे लोग मान लें। मैं चाहूंगा कि अपने बीच से ठीक है जो नाम आएंगे उसमें आम सहमति बनाई जाएगी, प्रयास किया जाएगा कि आम सहमति बन जाए और जो नाम आएंगे उसी में से किसी न किसी का चुनाव हम लोग करेंगे। इसमें आप सभी साथियों का सहयोग भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मन की इच्छा जिसकी भी हो। उनको बदलने की भी कार्रवाई यही प्रधान संगठन मोहम्मदाबाद नियत और तय कर कि अगर वो काम सही से नहीं कर पाते हैं, सारे प्रधानों का सम्मान सही से नहीं कर पाते हैं, तो उस प्रक्रिया में उनको प्रधान संघ अध्यक्ष से भी हटाने की काम यही मोहम्मदाबाद ब्लॉक संगठन कर। धन्यवाद। चुनाव होने जा रहा है, हमारे सभी प्रधान साथी यहाँ उपस्थित है। मैं रामविलास यादव ग्राम पंचायत छतरपुर का प्रधान प्रतिनिधि हूँ। साथियों, नया हो चाहे पुराना हो, प्रधान जी नया प्रधान हो चाहे पुराना हो, सभी लोग जनता के मत द्वारा चुन कर आए हैं, जनता के दिल को जीत कर आए हैं। नया और पुरान को एक में समेटते हुए सर्वसम्मत से आप लोग अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चाहे महामंत्री चाहे कोषा अध्यक्ष का चुनाव कर ले। हम लोग इनके पास आते कौन कौन बनाए गए हैं बताइए। अध्यक्ष का चुनाव हुआ ब्लॉक में, इस परिषद में अध्यक्ष, महामंत्री, उपाध्यक्ष और कोषाध्यक्ष का चुनाव किया गया। नाम दाजी ब्रिजलाल यादव अध्यक्ष सिलाई जी, और रविशंकर यादव प्रधान बर्तर जी, और राम श्याम नारायण यादव उपाध्यक्ष नहीं वो महामंत्री के लिए, और गोपाल जी कोषाध्यक्ष के लिए, और हम लोगों के संरक्षक के रूप में आप अश्विनी कुमार राय राजापुर और शशिकांत भूवर जी को महामंत्री बनाया गया। क्या आप लोगों को संदेश देना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहता हूं कि प्रधानों के साथ हमेशा कंधे से कंधे मिलाकर चलने के लिए हमेशा तत्पर रहूंगा, और जब भी आप बुलाएंगे प्रधान अगर बुला दिए तो हम हमेशा उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलने के लिए तत्पर रहूंगा। और यही आशा और विश्वास करता हूं कि जब भी अगर संगठन बुलाता है तो सभी प्रधानों को एक साथ होकर अपना सभी का साथ देना चाहिए।
आपको समीक्षक नियुक्त किया गया है, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? आप बहुत खुशी हो रही है जी, और मैं बताना चाहता हूँ कि प्रधानों के लिए और निवासियों का भी प्रधान के लिए जहाँ भी जरूरत पड़ेगी हमेशा हम लोग तैयार रहने का काम करेंगे, और जहाँ भी जरूरत पड़ेगी हम चलने का काम करेंगे। महामंत्री बनाएगी आपको ना? मैं महामंत्री श्याम नारायण यादव, ग्राम प्रधान लालू बाग, संगठन जो हमारा बना है मोहम्मदाबाद, पिता जी के नेतृत्व में, संरक्षक अश्वनी राय जी के नेतृत्व में, हम महामंत्री के रूप में हमारे निवासी प्रधान की जो समस्याएं आएंगी उससे कंधे से कंधा मिलाकर चलने काम करूंगा, और जो भी लड़ाई लड़नी होगी उसको जमीन से लेकर के जिले तक लड़ने का काम करेंगे, यही मुझे कहना है। धन्यवाद। वाइस प्रेसिडेंट कौन? वाइस प्रेसिडेंट उपाध्यक्ष रविशंकर यादव, चक मुकुंद उपवर्तन का ग्राम प्रधान। मैं नवासी गांव के प्रधानों की तरफ से उपाध्यक्ष का पद संभाला हूं, और मैं इस जिम्मेदारी को बहुत अच्छी तरह से निर्वहन करूंगा और सारे प्रधानों की समस्याओं में शामिल होगा, सबके सुख और दुख में शामिल होने का काम करूंगा, और सारे लोगों के साथ कंधों से कंधा मिलाकर। ठीक है सर्वप्रथम मैं पहले सम्मानित ग्राम प्रधानों को इस मोहम्मदाबाद प्रांगण में स्वागत अभिनंदन करते हैं, और अखिल भारतीय प्रधान संगठन के महामंत्री मैं शशिकांत शर्मा उर्भुवर, ग्राम प्रधान चकसा मोहम्मद मलिकपुरा। जब भी किसी प्रधान की विपत्ति आपत्ति कुछ भी हुई या कोई भी आधी रात को किसी को जरूरत पड़ा मुझे बुलाएगा, फ़ोन करके आएगा, मैं उनके दुख सुख का साथी रहूँगा, आऊँगा उसके साथ। जो भी प्रधान संगठन हमारे अध्यक्ष जी जो भी मार्गदर्शन देंगे उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलूँगा। आज मोहम्मदाबाद ब्लॉक में नवासी ग्राम प्रधानों का जो अध्यक्ष का चुनाव हुआ है उसमें अध्यक्ष बिजलाल यादव जी, उपाध्यक्ष रविशंकर यादव जी, और महामंत्री विद्यासागर उर्फ भुवर जी, और महामंत्री श्याम नारायण यादव जी एवं मैं गोपाल पासी कोषाध्यक्ष, मैं सभी प्रधानों का, नवासी प्रधानों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। आप लोगों ने जो ये सम्मान दिया है मैं ये आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप लोग के साथ अध्यक्ष जी, उपाध्यक्ष, महामंत्री जी के साथ में कदम से कदम मिला करके कहीं भी किसी भी प्रधान की आवश्यकता पड़ी, कोई भी समस्या उत्पन्न हुई, और संरक्षक अश्विनी राय जी के नेतृत्व में जो भी काम होगा हम लोग दिन रात चल करके यहाँ से जिले तक लड़ाई लड़ने के लिए बाध्य है। इसी के साथ सभी प्रधानों का, आए हुए मीडिया प्रभारियों का, मित्रों का, सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूँ। जय हिंद, जय प्रधान संगठन। धन्यवाद। सबसे पहले मैं नवासी ग्राम सभा के जितने भी नवनिर्वाचित प्रधान हैं मैं उनका हृदय तल से अभिनंदन एवं वंदन करता हूं, उनका स्वागत है जो इतना कीमती समय देकर इस चुनाव में आए। मैं मनीष जायसवाल, प्रधान संघ का उपाध्यक्ष। मैं अपने संगठन में जो भी अगर अध्यक्ष और संरक्षक का मार्गदर्शन जैसे मिलेगा, जो भी प्रधानों का शिकायत, जो भी आपत्ति विपत्ति रहेगी, मैं 12 बजे रात को तैयार रहूँगा उसके लिए चलने के लिए, और बिना हिचक कहीं भी किसी भी लड़ाई में कदम से कदम मिला के चलूँगा अपने अध्यक्ष और संरक्षक के साथ। हम प्रेम शंकर सिंह यादव, प्रधान की परिधि के प्रधान। हम पद रहे या न रहे, मैं 2005 से चलने का काम करता हूँ, अभी भी चलने के लिए काम करूँगा। चाहे बिजलाल भाई कुछ भी किए, हम 10 में 1 वोट से हारे, फिर इनका सामना करते रहे और फिर